दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स क्लास 12th। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना होता है, चाहे इकोनॉमिक्स का पेपर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती है। तो बता दूँ आपको, ये सबसे बड़ी टिप्स है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट करें जितने भी क्वेश्चन है आपके। चलिए बिना देर करे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला पूछा गया है डिफाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं, सारे पांचों क्वेश्चन आपके फ्रंट पेज पे हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो वीडियो क्वालिटी आप ऑप्शन में जाके वीडियो की बढ़ा सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है, चलिए पेज नंबर 2 पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5th के सी और डी पार्ट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी आपको दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें पूछा गया है डिफाइन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। फिर उसके बाद आपका ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बड़ी समझदारी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए और बी पार्ट में, जो कि डिवाइड है, जो कि आपको क्वेश्चन के अनुसार करना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस फ्लोर, डिस्कस इन ब्रीफ, ये भी आपको बताना है। और इसमें एनीवन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फ्लोर। फिर उसके बाद आपका, फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26 और 27, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं वीडियो को दिखा के। क्वेश्चन नंबर 27 का ए और बी पार्ट आप ध्यान से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए पेज 4 पे चलते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें बड़ी समझदारी से इसका क्वेश्चन करना है। फिर आता है 29 और 30, ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही वजनदार हैं यानी कि महंगे हैं, अगर ये कर लिया तो अच्छा होगा। और यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो एंड होता है, और अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स डिमांड, लोगों ने डिमांड करी इसलिए हमने इकोनॉमिक्स का पेपर लाया। ऐसे ही हम बहुत बहुत क्वेश्चन पेपर लाते रहते हैं, हम हमारे चैनल पे जाके विजिट करके चेक कर सकते हैं किसी भी क्लास का क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, केस स्टडी और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।